हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज़ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन पहले आप कैसे मार्केट की रेंज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ना केवल डेली रेंज बल्कि वीकली, मंथली और ईयरली रेंज तक इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप सभी को नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं माई डियर फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी से हम डेली रेंज, वीकली, मंथली, ईयरली रेंज को समझेंगे। तो इसके लिए जो है हमें इंडिया विक्स की हेल्प लेनी होगी। विक्स का मतलब क्या होता है? विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसे फियर इंडेक्स भी कहा जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मंथली चार्ट लगा हुआ है मेरी स्क्रीन पर इंडिया विक्स का, और कोविड के टाइम पर इंडिया विक्स जो है मोर देन 80% तक शूटअप हो चुका था। तो जब भी विक्स ऊपर की तरफ रहेगा, मार्केट के डाउन साइड रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। देखिए, जिस समय विक्स जो है 80% से ज़्यादा शूटअप हुआ था, उस समय हमने कोविड का फेज देखा था, मार्केट कितना नीचे गिरा था। और इसके बाद जैसे जैसे हमारा विक्स जो है नीचे की तरफ आना चालू हुआ, कूल डाउन होना चालू हुआ, हमारा मार्केट जो है तेजी से रिकवर करना चालू किया। तो हायर विक्स इसका मतलब क्या हुआ? हायर फियर, ज्यादा डर। लोअर विक्स इसका मतलब मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट विक्स जो है बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा लो है विक्स, तो इसका मतलब मार्केट जो है वहां पर प्रीमियम बहुत कम बढ़ेंगे, प्रीमियम जो है काफ़ी लो रहेंगे। और अगर विक्स बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे। तो अब हम समझते हैं रेंज के कॉन्सेप्ट को, कि एक्चुअली रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। रेंज के कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केट में लोगों के अंदर बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। रेंज में एक्चुअली हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? एक अपर रेंज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और एक लोअर रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग इनको मिक्स कर देते हैं। रेजिस्टेंस में हम एक अपर लेवल फाइंड आउट करते हैं, जहां से मार्केट अगर वहां पर पहुंचता है तो उस लेवल की रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचा, तो हम ये अनुमान लगा करके चलते हैं कि मार्केट जो है इस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आएगा। और जब मार्केट अपने सपोर्ट पर पहुंचा, तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ वापस मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा हम अनुमान लगा करके चलते हैं। तो ये हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। जबकि रेंज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे हमने एक हायर रेंज निकाली और एक हमने लोअर रेंज फाइंड आउट करी, तो यहाँ पर हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि मार्केट जो है इन दोनों रेंज के बीच में क्लोजिंग दे, मार्केट जो है इन बिटवीन रहे इस रेंज के बीच में। अब इस बीच में कई बार मार्केट ऐसा भी होता है कि लोअर रेंज को टच करने के बाद वापस ऊपर आ जाती है, बट कई बार ये होगा कि मार्केट अपर रेंज को टच ना करे। तो काफ़ी सारे लोगों में मिसकंसेप्शन बनता है कि सर आपने तो अपर रेंज बताई थी, बट मार्केट अपर रेंज तक गया ही नहीं। तो रेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट उसके बीच में रहेगी। तो आई होप आपको रेंज और सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और इस रेंज को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, एक दिन पहले आपको कैसे रेंज पता चलेगी, इसके विषय में बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक्सेल सीट पर ले चलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। एक्सेल सीट पर देखिए, हमने पिछले 3 साल की बैक टेस्टिंग करी हुई है, पूरा कोविड का पीरियड हमने इसमें लिया हुआ है। तो आपको इस प्रकार की रेंज निकालने का फॉर्मूला YouTube पर बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगा, बट इस प्रकार की एडवांस सीट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो इतने डिटेल में स्टडी जो है YouTube के अंदर बहुत कम मिलेगी। ये देखिए, ये डाटा आप देखेंगे 2019, यानी कि 24 जुलाई 2019 से हमने डाटा लिया हुआ है। कब तक का डाटा लिया है? 29 दिसंबर 2023 तक का हमने डाटा लिया हुआ है। तो पिछले 1095 ट्रेडिंग सेशन का, यानी पिछले 3 साल के ट्रेडिंग सेशन का हमने इसके अंदर डाटा लिया हुआ है, ताकि आपको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ पर देखेंगे आप अगर डेट, तो ये 29 दिसंबर तक की हमने डेट ली हुई है। अब इसे कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है? तो देखिए, मेरी स्क्रीन पर आपको जो है कुछ लेवल्स दिख रहे हैं। अब इनको निकालने के लिए मैं आपको पूरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ, एंड ये शीट आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप खुद से इस प्रकार की शीट बनाना चाहते हैं, तो मैं वो फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, एंड अगर आप इस शीट को खुद यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये शीट आपको कैसे मिलेगी पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद फिर हम फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। सो इस शीट को अगर आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
केवल आपको जो है इस वीडियो को लाइक करना है, जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में जाकर के एक प्यारा सा कमेंट लिखना है। ये तीन काम जब आप कर लें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को मुझे इस नंबर पर भेजना है। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये नंबर 7999773242, इस नंबर को अर्निंग फंडा के नाम से सेव कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और क्या करना है आपको, एक स्क्रीनशॉट तो आपने भेज दिया, दूसरा स्क्रीनशॉट और भेजना है आपको, इसी वीडियो को शेयर करना है। कहाँ पर शेयर करना है, किसी ना किसी व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम, किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इस वीडियो को शेयर करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर मुझे भेजना है। तो दो स्क्रीनशॉट प्लस आपका जीमेल एड्रेस, ये तीन चीज़ें जैसे ही मुझे मिलेगी तो ये शीट आपको मिल जाएगी इस बैक टेस्टिंग रिजल्ट के साथ में। अब इस बैक टेस्टिंग रिजल्ट को भी मैं एनालाइज करके बताऊंगा, पहले हम समझते हैं कि रेंज हमें कैसे निकालनी होती है। तो रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, देन वॉलिटिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। तो फैक्टर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके लिए पहले मैं इन फिगर्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं पूरा फॉर्मूला आपको वापस से बना करके दिखा पाऊँ। सो बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना क्या है, इंडिया वीक्स की क्लोजिंग लेनी है। जिस भी दिन का आप डेटा लेना चाहते हैं उस दिन की जो है आपको इंडिया वीक्स की क्लोजिंग लेनी है और उसी दिन की जो है मार्केट का क्लोजिंग प्राइस लेना है। जैसे हम 29th ऑफ दिसंबर की क्लोजिंग प्राइस देखें तो यहाँ पर हमें 29th ऑफ दिसंबर की जो क्लोजिंग प्राइस दिख रही है वो कितनी नज़र आ रही है, 21731। आइए हम यहाँ पर भी चल करके देख लेते हैं, देखिए 21731 जो है हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है। ठीक इसी प्रकार से इंडिया विक्स की जो क्लोजिंग वैल्यू है वो 14.50 की क्लोजिंग वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर हमें लिख लेना है, यहाँ पर हम इंडिया विक्स की वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ हम निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस लिख लेंगे। इस रेंज को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब हमें किस प्रकार से फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, तो फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम मंथली फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा इस इक्वल टू इसके बाद स्क्वायर रूट, SQRT आप लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पर 12 लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा निकल करके आ गया मंथली फैक्टर। वीकली फैक्टर भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे, SQRT लिखेंगे। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। सो ये हमारा वीकली फैक्टर निकल करके आ गया। अब डेली फैक्टर हमें निकालना है, तो डेली फैक्टर के लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं, बट ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं, नियर अबाउट जो है छुट्टियां वगैरह अगर हम हटा दें तो 252 डेज के आसपास जो है हमारे ट्रेडिंग डेज बनते हैं। तो ये हमारा डेली फैक्टर निकल करके आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वॉलेटिलिटी निकालनी है। तो वॉलेटिलिटी निकालने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस इक्वल टू लिखेंगे हम और जो इंडिया विक्स की वैल्यू निकल करके आई है इंडिया विक्स को डिवाइड करेंगे फैक्टर से। तो ये हमारी जो है मंथली वॉलेटिलिटी निकल करके आ गई। इसी प्रकार से हम वीकली वॉलेटिलिटी निकाल लेते हैं। वीकली वॉलेटिलिटी के लिए इस इक्वल टू डिवाइडेड बाय वीकली फैक्टर। डेली फैक्टर अगर हमें निकालना है, इस इक्वल टू इंडिया विक्स की क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय डेली फैक्टर। तो ये हमारी डेली वॉलेटिलिटी निकल करके आ गई। अब हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, इस इक्वल टू का फॉर्मूला आप लगाएंगे और निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग प्राइस लेंगे, देन हम प्लस करेंगे, प्लस ब्रैकेट ओपन वापस से निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो हमारी वॉलेटिलिटी निकल करके आई है, इस वॉलेटिलिटी को हम सिलेक्ट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी महीने भर की हायर रेंज निकल करके आ गई। इसका मतलब मार्केट के 31 जनवरी 2024 तक इस हायर रेंज के अंदर अंदर रहने की संभावना है। इसी प्रकार से हम लोअर रेंज निकाल लेते हैं। लोअर रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है, निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस हमने ले ली, इसके बाद में माइनस करेंगे क्योंकि अब लोअर साइड की रेंज निकाल रहे हैं, देन ब्रैकेट ओपन अगेंस्ट निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय मंथली वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100। ये मंथली रेंज निकाल रहे हैं इसलिए मंथली वॉलेटिलिटी। तो ये हमारी मंथली रेंज निकल करके आ गई। लोअर साइड पर मार्केट के कहाँ तक रहने की संभावना है, 20,821 तक मार्केट के लोअर साइड पर रहने की संभावना है। तो ये हायर रेंज और लोअर रेंज दोनों निकल गए। ऐसे ही हम वीकली रेंज निकाल लेते हैं। वीकली रेंज के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट ओपन वापस से हम निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वीकली वॉलेटिलिटी, देन डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज।
ये हमारी वीकली की हायर रेंज निकल गई, वीकली की लोअर रेंज निकाल लेते हैं। लोअर रेंज के लिए हमें क्या करना है, माइनस करना है मल्टीप्लाई बाय वीकली वॉलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारी क्या निकल गई, ये हमारी वीकली लोअर रेंज निकल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेली रेंज, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, रात के 1:21 पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मंडे के लिए हम रेंज निकाल रहे हैं किसकी मदद से, फ्राइडे की क्लोजिंग की मदद से। फ्राइडे की क्लोजिंग वैल्यू की मदद से हम मंडे के लिए यानी 1 जनवरी के लिए हम रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू लास्ट जो हमारी क्लोजिंग प्राइस है, इसके बाद में प्लस का साइन, देन ब्रैकेट ओपन, इसके बाद लास्ट जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसकी क्लोजिंग प्राइस, मल्टीप्लाई बाय डेली फैक्टर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर जो है हमारी हायर रेंज निकल करके आ गई है मंडे के लिए। क्या निकल करके आई है हायर रेंज, देखिए 21,929 की हमारी हायर रेंज निकल करके आई है। ठीक इसी प्रकार से लोअर रेंज अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस हमने ले ली लास्ट डे की, माइनस का साइन ले लिया, देन हम यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में अगेन से क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय डेली फैक्टर, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय डेली फैक्टर कर देंगे डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया, डेली फैक्टर। ओके अब जो ईयरली फैक्टर निकालना होता है, डेली फैक्टर देखिए मंडे के लिए क्या निकल करके आया है, मंडे को मार्केट किस रेंज के बीच में रह सकता है, 21,533 से लेकर के 21,929 की रेंज के बीच में मार्केट घूम सकता है मंडे के दिन। अब जो ईयरली रेंज निकालनी रहती है, एक साल की रेंज, तो हम कौन से डाटा से एक साल की रेंज निकाल रहे हैं, 29th of December के डाटा से निकाल रहे हैं। तो 29th of December 2023 से लेकर के 29th of December 2024 यानी पूरे एक साल के बीच में मार्केट की रेंज क्या रह सकती है, ये निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए हमें फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्ट वॉलेटिलिटी के माध्यम से हम ये निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को मैं डिलीट करता हूँ, इसके लिए कोई फैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इस इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना है, और जिस दिन से आप ईयरली रेंज निकालना चाह रहे हैं उस दिन की क्लोजिंग प्राइस हमने सिलेक्ट कर ली, प्लस का साइन लगाना है, ब्रैकेट ओपन, वापस से क्लोजिंग प्राइस सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जिस दिन की क्लोजिंग प्राइस ले रहे हैं हम निफ्टी की, उसी दिन की इंडिया विक्स की भी क्लोजिंग प्राइस लेंगे, उस दिन की इंडिया विक्स की हम क्लोजिंग प्राइस लेकर के 100 से डिवाइड कर देंगे। बाकी जगह पर हमने फैक्टर निकाल करके वॉलेटिलिटी फाइंड आउट करी थी, लेकिन ईयरली रेंज में फैक्टर और वॉलेटिलिटी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स जो है इटसेल्फ वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, ईयरली वॉलेटिलिटी। तो इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना होता है। और डाउन साइड की तरफ अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू मार्केट की क्लोजिंग प्राइस माइनस ब्रैकेट ओपन मार्केट की क्लोजिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय विक्स की क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपकी क्या निकल करके आ गई, ईयरली रेंज निकल करके आ गई। तो 29th of December 2024th तक मार्केट की हायर रेंज क्या रह सकती है, 24,882 24,882, और लोअर रेंज क्या रह सकती है, 18,580 की। अब ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको बैक टेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको 1x1 बैक टेस्ट करने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए हमने इस सीट पर पिछले 3 साल का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दिया हुआ है, पूरा डाटा आपके सामने है, कब कब ये पास हुई रेंज, कब कब फेल हुई, ये पूरी शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का तरीका भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये जो पहला वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, तो ये 365 ट्रेडिंग सेशन का डेटा है। ओके ये 365 दिन का नहीं, 365 ट्रेडिंग डेज का डेटा है, जिसमें से 238 टाइम्स जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट पास हुआ है, और 127 टाइम्स जो है ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 65% की एक्यूरेसी निकल करके आई है, 65% टाइम पास हुआ है, 34% टाइम ये जो है कॉन्सेप्ट हमारा फेल हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर 2 साल का रिजल्ट आप देखें तो 365 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो 730 का रिजल्ट आता है हमारे पास, 730 ट्रेडिंग डेज यानी 2 साल का पूरा ट्रेडिंग डेज का डाटा हमने लिया है, जिसमें से 444 बार हमारा कॉन्सेप्ट पास हुआ है और 286 टाइम जो है ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें 2 साल में तो मोर देन 60% रिजल्ट रहा है कि कॉन्सेप्ट हमारा पास हुआ है, 39% जो है ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ है। अब 3 साल की बात करते हैं,
तीन साल यानी कि 1095 ट्रेडिंग सेशन, इसके अंदर 676 676 बार जो है हमारा कॉन्सेप्ट पास हुआ है और 419 बार हमारा कॉन्सेप्ट फेल हुआ है। तो एक्यूरेसी की बात करें तो 61% की एक्यूरेसी तीन साल में निकल करके आ रही है। तो ओवरऑल अगर पूरे तीन साल के डेटा का एवरेज आप निकालें तो मोर देन 60% की एक्यूरेसी इसके अंदर निकल करके आ रही है। अब इस रिजल्ट को आपको कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर पास्ट लिखा हुआ है तो ये कितनी तारीख का है, ये जो है आपका 29 दिसंबर का डेटा है। 29 दिसंबर को जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट पास हुआ है। 29 दिसंबर के लिए एक दिन पहले हमारी रेंज निकली होगी। क्या रेंज निकली थी एक दिन पहले, हायर रेंज निकली थी देखिए गुरुवार को 21986 की और लोअर रेंज निकली थी 21570 की। तो फ्राइडे को जो मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट का हाई देख लीजिए 21770, जबकि रेंज क्या निकली थी 21986, तो उस रेंज के अंदर है। ठीक इसी प्रकार से लोअर रेंज की बात करें तो 21676 और लोअर रेंज हमारी निकली कितनी थी 21570, तो इन दोनों के बीच में है मार्केट। जब इन दोनों के बीच में है मार्केट तो ये जो है हमारा पास हुआ है। ठीक इसी प्रकार से काफ़ी बार आप देख रहे हैं काफ़ी सारी जगह पर पास लिखा हुआ है, काफ़ी सारी जगह पर फेल भी लिखा हुआ है। तो जहां पर फेल लिखा हुआ है तो वो किस साइड पर फेल हुआ है, हायर साइड पर उसने ब्रेक किया है या लोअर साइड पर ब्रेक किया है, ये भी आपको इस रिजल्ट पेज पर दिख जाता है। साथ ही साथ कितने पॉइंट से ब्रेक किया, देखिए हाई रेंज ब्रेक तो ये कितने पॉइंट से ब्रेक किया है, ये पॉइंट भी दिख जाते हैं आपको कि कितने पॉइंट से मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है। लो रेंज अगर ब्रेक कर रहा है मार्केट तो कितने पॉइंट से ब्रेक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में इस रिजल्ट पेज में मिल जाती है। तो ये शीट जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को लाइक करना है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना है। जिस भी ग्रुप में आप शेयर कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सएप करना है और अपना जीमेल एड्रेस लिख करके भेजना है। तो आई होप ये रेंज वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी माय डियर फ्रेंड्स। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको इस चैनल के अंदर मिलती रहेगी। एक और नॉलेजेबल वीडियो हमने आपके लिए बनाई है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमने बताने की कोशिश करी है कि मार्केट के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपने मार्केट की रेंज समझी। अगली वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताने की कोशिश करी है कि मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट बुलिश रह सकता है या बियरिश रह सकता है, ये कैसे पता करें। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी पब्लिश की जाएगी और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।